बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे? आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, लाइट ईयर के बारे में, और जो हमारे प्लैनेट हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, एडवांस सनराइज, ठीक है, और डिले। उसके बाद हम स्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्केटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करेगा। तो ये कुछ हमारे टॉपिक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं? तो स्टार्स पहली बात पॉइंट सोर्स होते हैं लाइट के, सही है, पॉइंट सोर्स हैं लाइट के। जैसे हम बात करें लाइट ईयर, तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस होती है ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, मतलब एक साल में वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसको हम पढ़ते हैं क्या, डिस्टेंस लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर, ईयर से अगर आपको लग रहा हो कि टाइम की यूनिट है, तो लाइट ईयर हमारी टाइम की यूनिट नहीं है, वर्क किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। क्योंकि हमारे जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, जब बहुत दूर हैं तो हम इसको मेजर करेंगे, तो लाइट ईयर में मेजर करेंगे ये डिस्टेंस को। लगभग ये 6 से 8 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। तो ट्विंकल का पोजिशन हमारे से बहुत दूर है, कह तो हमसे बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम हमारा ऊपर देखेंगे या फिर जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक लेयर में मीडियम जो होगा वो अलग अलग होगा। कह तो सबसे नीचे कैसा मीडियम होगा, डेंसर, उसके ऊपर जाएंगे तो रेयर, और उसके ऊपर जाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो मीडियम चेंज होता रहेगा। हमने मान लिया जो स्टार्स की पोजीशन है वो ये है, यहाँ से जब लाइट आएगी तो यहाँ पर आई रेयर मीडियम में, यहाँ पर हमने बनाया नॉर्मल। चूँकि हमारी ऊपर होता है रेयर मीडियम, नीचे होता है डेंसर मीडियम, तो लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी किधर, तो लाइट हमारी यहाँ से आई रेयर मीडियम में, यहाँ हमने नॉर्मल बना दिया, तो लाइट हमारी किधर बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कैसा मीडियम, धीरे धीरे डेंसर मीडियम बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने मीडियम बनाया, ये वाले पॉइंट पर क्या बनाया, नॉर्मल, तो लाइट हमारी किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इस तरह से क्या है, लगातार नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड होती आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से कहाँ आ रही है, डेंसर में। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगी किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड नॉर्मल। अब क्या है, एक्चुअल पोजीशन तो ये है, एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन आपको दिखाई कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर। तो ये वाली पोजीशन को हम पढ़ते हैं एक्चुअल पोजीशन, और ये वाली पोजीशन को हम पढ़ते हैं एपरेंट पोजीशन। एपरेंट का मतलब ये है कि कहाँ पर वो एपियर हो रहा है। तो ये बना एपरेंट पोजीशन और ये बना एक्चुअल पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पर अर्थ से देखेंगी तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन वास्तविक पोजीशन ये है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, जो स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, इसलिए इसको हम रात में आसानी से देख सकते हैं। दे अपीयर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। और ये हमारे पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर या तो लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं। कहाँ पर है, अर्थ से बहुत दूर है। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग ए बिट, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किसकी वजह से हो रहा है,
तो मोशन ऑफ एयर, एटमोस्फेरिक एयर, चेंजिंग इन एयर डेंसिटी और टेम्परेचर। तो लगातार जब हमारी ये कुछ फिजिकल फिनोमेना इसमें चेंज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी चेंज होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है, इसकी वजह से ये दिखाई पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप चेंजिंग, जिसकी वजह से क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजिशन इन ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और क्या होगा, जब लगातार वहाँ पर चेंज होगा, फिजिकल चेंज, कहे तो टेम्परेचर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आसानी से क्या होगा, वो अपने आप क्या होगा, मोशन की वजह से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से लगातार वो ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है भाई, प्लानिट डू नॉट ट्विंकल। अच्छा, ट्विंकल हमारे क्यों नहीं करते प्लानिट, तो द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज डेंसर। पहली बार जो अर्थ के पास की लेयर होती है वो हमारी डेंसर होती है, ये सबको मालूम, पहले बता चुके हैं। और जैसे जैसे दूर जाओगे तो वह कैसा मीडियम होगा, रेयर। अच्छा, प्लैनेट इज द नियर टू द अर्थ कंपेयर टू स्टार। अगर हम स्टार से कंपेयर कराएं तो प्लैनेट क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं हमसे, पास होते हैं, और स्टार्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो प्लैनेट हमारे पास है क्या है, सो प्लैनेट कैन बी कंसीडर एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो प्लैनेट है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, कह सकते हैं बहुत सारे पॉइंट सोर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन है कौन, प्लैनेट। ठीक है, तो इसलिए इसलिए क्या होते हैं, वो ट्विंकल करती हुई नज़र नहीं आती हैं। और दूसरी बात कि वो अर्थ के नज़दीक होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अस कंपेयर टू स्टार, ये ज़्यादा क्लोज होते हैं स्टार के कंपेयर में। दे देयर फोर डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये पॉइंट सोर्स की तरह कंसिडर नहीं किए जाते हैं, बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स का। ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमोसफेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द पोजिशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंज। तो पॉइंट सोर्स का जो ब्राइटनेस है वो चेंज होगा एटमोसफेयर रिफ्लेक्शन की वजह से, वो हम पहले बता चुके हैं। द एवरेज पोजिशन एंड टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन अनचेंज इन प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। और यहाँ पर क्या होता है, जो एवरेज अगर निकालें हम, वो हमारा क्या होगा, एवरेज पोजिशन और एवरेज ब्राइटनेस वो चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये ना तो ट्विंकल करेंगे और ना ही अपनी पोजिशन को चेंज करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं एडवांस सनराइज। द सन एपियर टू राइज 2 मिनट अर्लियर। सन एपियर टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर, ऐसा क्यों, ये हमारा क्या होता है होरिजन, ये मान लो अर्थ है, अर्थ पे आप खड़े हैं, ये हमने बना दी होरिजन, और ये क्या है, राइजिंग सन, सन निकला। ठीक है, और आप अर्थ पे खड़े हुए हैं, तो अर्थ के टच करने वाली लाइन होती है उसको पढ़ते हैं होरिजन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सन निकला। ठीक है, और लिखा एडवांस सनराइज, द सन एपियर टू राइज 2 मिनट अर्लियर, 2 मिनट पहले। ठीक है, तो यहाँ पर सन की राइजिंग पोजिशन ये है, यहाँ पर क्या होगा, लाइट जब हमारी लाइट जाएगी इधर से, तो लगातार यहाँ पर क्या है, आपको बेंडिंग दिखेगा, बेंडिंग। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया, लाइट बेंड हो गई, यहाँ नॉर्मल बनाया लाइट बेंड हो गई, यहाँ नॉर्मल बनाया लाइट बेंड हो गई। तो लगातार यहाँ पर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो आपको क्या दिखेगा, एपरेंट पोजिशन सन की यहाँ पर दिखेगी, वास्तव में है कहाँ, होरिजन के नीचे, लेकिन दिखेगी कहाँ, होरिजन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से सनसेट डिले, द सन एपियर टू सेट 2 मिनट लेट। 2 मिनट लेट क्यों दिखता है, ये अर्थ है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये होरिजन है,
सेटिंग अगर सन सनसेट होगा तो यहाँ से जब देखोगे एप्लेन सन सेटिंग सुन तो ये है तो लगातार क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया यहाँ से, ठीक है तो यहाँ से लाइट हमारी पड़ी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने क्या माने सबको बराबर मान लिए, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे बराबर होंगे। इसको हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ई वाले केस में ये सरफेस जो होगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। ठीक है अब बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा लाइट हमारी आ तो एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सबके बराबर नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सबके चेंज हो रहे हैं। ठीक है लेकिन आई बराबर आर क्यू होगा, लेकिन आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री के नहीं होगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग 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 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होंगे, लेकिन आई बराबर आर क्यू होगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है ये जो सरफेस होती है वो होती है रफ। ठीक अच्छा अब क्या है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, हमारे पास इरेगुलर सरफेस है तो लाइट इधर आए रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, लाइट मतलब रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या कर रही है जा रही है। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि लाइट को पहले एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद री एमिशन कर दे लाइट एनर्जी को, पहले वो पढ़े उसके बाद रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है उसको पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं जिसके ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है, पहला तो हमारा होगा वेवलेंथ। ठीक है वेवलेंथ तो जैसा कि हम लोगों ने बताया पढ़ा था सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का और सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का। वेवलेंथ की रेंज की बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है विजुअल रेंज के लिए। ये वाली कौन सी रेंज है विजुअल, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड बेबी क्योर। ठीक है और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल है और एक बिग पार्टिकल है और एक वेरी बिग पार्टिकल है। ठीक है इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देख रहे होंगे अगर छोटा सा पार्टिकल है तो कैसे स्केटर करेगा, तो स्केटरिंग ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल छोटा है तो स्केटरिंग ज़्यादा होगी, और अगर मान के चलो वेवलेंथ ज़्यादा है तो भी स्केटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, स्काई का हमें अलग अलग कलर क्यों दिखाई पड़ता है, तो रेट ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस। अगर मान के चलो आप यहाँ पर अर्थ पे खड़े हैं और ऊपर देखेंगे तो क्या है लाइट सबसे कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और क्या होगा सबसे कम स्केटरिंग होगी। तो जैसा कि हमने बताया इधर कि जो स्केटरिंग है स्केटरिंग ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, वेवलेंथ की। ठीक है अगर कम डिस्टेंस को वो ट्रेवल करे तो स्केटरिंग कम होगी, तो यहाँ पर क्या है लाइट कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो कम स्केटरिंग हो रही है। ठीक है अब यहाँ पर क्या है रे ऑफ लाइट आई ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो ज़्यादा स्केटरिंग होगी, सही है। तो आपको बादल जो है वो अलग अलग कलर में नजर आएगा, तो यहाँ पर खड़े रे ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करा, ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा तो ये अलग अलग कलर में टूट जाएगा, तो रेड एंड ऑरेंज कलर गेट स्केटर लीस्ट। तो यहाँ पर सबसे कम कौन स्केटर होगा, रेड और ऑरेंज, रेड और ऑरेंज। ठीक है डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई इन स्पेस, तो स्पेस में कैसा होता है कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है इसलिए कैसे दिखाई पड़ता है ब्लैक, नो स्केटरिंग इसकी वजह से कोई कलर नहीं,
इसके लिए कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लैक। ठीक है, तो अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पर कैसा होगा, ब्लैक होगा, किसी तरह का कोई भी स्कैटर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जानकारी थी पूरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। क्लियर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।